गेल्या काही दिवसांपासून पिंपरी चिंचवड शहरात चेन स्नॅचिंगच्या घटना वाढल्या आहेत. वटपौर्णिमेच्या दिवशी चोरांनी तर थैमानच घातलं होतं. यात एकूण 12 चेन स्नॅचिंगच्या घटना घडल्या होत्या. त्यामुळे पोलिसांच्या कामगिरीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं होतं. यावरच उपाय म्हणून पोलीस आयुक्त गणेश शिंदे यांनी बसमधील महिला प्रवाशांमध्ये चेन स्नॅचिंग चोरांबद्दल प्रबोधन केले. बसमधील महिलांशी महिला पोलीस कर्मचाऱ्यांनी संवाद साधला. चेन स्नॅचिंगच्या घटनांवर आळा कसा घालता येईल यावर प्रवासी महिलांसोबत चर्चा केली. त्यामुळे येणाऱ्या काही दिवसात चेन स्नॅचिंगच्या घटनेत घट झाली तर नवल वाटायला नको. यावेळी स्वतः DCP गणेश शिंदे, ACP सतीश पाटील, पोलीस निरीक्षक विठ्ठल कुबडे, पोलीस उपनिरीक्षक मुंडे, पोलीस कर्मचारी आदी उपस्थित होते. जो प्रवास कर रही है इसमें उनको रिक्वेस्ट करके उनके 2 मिनट लेके उनका प्रबोधन कर रहे हैं. मेरी जो यहाँ पे महिला सहकारी पिंपरी पुलिस स्टेशन की है वो सहकारी बस में जाके लोगों को अपने चेन की अपने मंगलसूत्र की रक्षा कैसे की जाए, उसके लिए क्या खबरदारी लेनी चाहिए और अपने कैश की रक्षा कैसे की जाए और उसके अलावा जो ऑफेंसेस होते हैं ऑनलाइन चीटिंग होता है या बाकी जो महिलाओं संबंधित गुनाह है उसमें कैसे खबरदारी ली जाए इसके बारे में लोगों को जानकारी देने वाले हैं, महिलाओं को उसके बारे में अपडेट करने वाले हैं. हम ऐसा मानते हैं कि इस उपक्रम से ज़्यादातर सुरक्षा हो जाएगी. सर किस तरीके से आज हमने पिंपरी पुलिस स्टेशन को ये चालू किया है. ये जो हम स्टैंड पे खड़े हैं इस स्टैंड से इस जगह से हमने चालू किया है. आज मेरे साथ 8 महिला कर्मचारी है, 1 PSI है और हम दोनों ACP DCP यहाँ पे हाजिर है. पूरे हमारे सारे पुलिस स्टेशन में 9 पुलिस स्टेशन में ये धीरे धीरे आज 2 या 3 दिन में हम चालू करने वाले हैं. ज़्यादातर महिलाओं तक या ज़्यादातर प्रवासियों तक पहुँचने का हमारा इरादा है. इसके वजह से ज़्यादातर सुरक्षा हो सकती है.